कि लोग इसको पर्सनल रखना चाहते हैं, वो उनको उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पता है, लेकिन वो समझते हैं कि इस पे कमेंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो असल काम है पॉडकास्ट करना वो कर रहे हैं या कर देंगे, तो उसके अलावा वो कमेंट पास नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि उमर सुबह से पोलिंग स्टेशन में थे, तो उनसे जानते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस। उमर, आपने मुख्तलिफ वोटर से बात की, क्या अब लोग बताना शुरू हो गए कि हमने किसको पॉडकास्ट किया, या अभी भी वो सीक्रेट नहीं? सीमिल, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पहले तो नहीं बताते, लेकिन जब वो पॉडकास्ट करके आ जाते हैं तो कुछ लोगों से फ्रेंकनेस ऑब्वियसली तो फिर वो बता देते तो वो ज्यादातर लोग यहाँ पर, लेकिन सिर्फ इस सिस्टम में हम वाजिया करते चले कि हिलरी क्लिंटन को वोट कास्ट कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी में मेजोरिटी में। लेकिन अभी हम ओवरऑल अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, तो कल तक जो है वो, क्योंकि अमरीका में पहले अर्ली वोटिंग का सिलसिला भी हो जाता है, तो 4,51,41,00 अफराद अमरीकी लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर लिया था। पॉइंट्स के हवाले से अगर बात करें तो 48 पॉइंट्स हिलरी क्लिंटन के थे और 44 पॉइंट्स जो थे डोनाल्ड ट्रंप के थे, तो कम नहीं, आपस में नेक टू नेक कंपटीशन जारी है। कभी हिलरी ऊपर चली जाती है, कभी ट्रंप के पॉइंट्स ऊपर होता है। बात बताऊं कि ये बड़ा क्लोज मुकाबला होगा, ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल होगी कि बस चंद पॉइंट्स या चंद वोटों के फर्क के साथ जो है इस व्हाइट हाउस में कौन पहुंचेगा उसका फैसला। बिल्कुल सही, और जो भी जीतेगा रुबाब, आपको ये बताते चले कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हिलरी जीतती है तो वो इस मुल्क की पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो पहले ऐसे सदर होंगे जिनका कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है।